छिंदवाड़ा के कुशलगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे छोटी आबादी का ये कस्बा है, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अब ये बन चुका है। 2 साल के बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए, 15 नए मरीज, इसमें से 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। अभी तक आंकड़ा 52 पर यहाँ पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप यहाँ पर इस बात से मच गया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। हालांकि सबसे छोटी आबादी वाला ये कस्बा है, लेकिन यहाँ पर जो खबरें अब आ रही है लगातार चिंताजनक, वो खबरें हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया ये जानकर कि इतने छोटे से क्षेत्र से इतने ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। 52 ये आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों का यहाँ पर पहुंच गया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। सबसे छोटी आबादी का ये कस्बा है, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट यहाँ पर बन गया है। 2 साल की बच्ची यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा 15 नए मरीज, जिसमें से 4 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता पवन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, काफी चिंताजनक ये विषय अब बांसवाड़ा में हो चला है, चूंकि इतनी कम आबादी है, लेकिन फिर भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या कारण है इनके पीछे? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक ही समुदाय का मामला है और ये जो है ये सामूहिक कार्यक्रम था, कोई बॉम्बे में वहाँ पर सम्मिलित होने गए थे, उसके बाद से ही ये जो कोरोना का संक्रमण है ये कुशलगढ़ की ओर आया था। और जिसमें 3-4 तारीख को पहला पिता पुत्र पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये जो आंकड़ा है अब भी 52 पर पहुंच गया है। इस जो 15 लोगों की पॉजिटिव आज रिपोर्ट आई है, इसमें 2 साल की मासूम बच्ची भी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। यह प्रदेश में अब तक जो है दूसरे नंबर पर आ चुका है कुशलगढ़। हम इसमें बता दें कि बच्ची की जो माँ और भाई भी पॉजिटिव है जी। रिपोर्ट में 2 साल के अलावा और भी 9 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा भी शामिल है जी। पवन, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से 52 मरीज अब कुशलगढ़ से सामने आ गए हैं, जो स्थिति है वो नियंत्रण से तो बाहर यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जो इंतजाम है उनसे बढ़कर एक स्टेप ऊपर क्या इंतजाम अब प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में भड़कम पच गया है जानकर कि हॉटस्पॉट बनकर उभर चुका है इतना छोटा कस्बा भी। जी मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर चित्तौड़ और सिरोही से भी मेडिकल टीमें आ चुकी है और लगातार डबल सर्वे किया जा रहा है। और जो बोरवाड़ी जो है सेंसिटिव, वहाँ पर लगातार जो संक्रमित आ रहे थे वो पहले वार्ड नंबर 12 से ही मिल रहे थे, लेकिन आज जो संक्रमितों की नई आई है उसमें वार्ड नंबर 11 और 14 से भी संक्रमित 2 लोग मिले हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग और इनमें भी जो समुदाय स्तर पर संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है जी। हालांकि अभी भी सभी संक्रमित एक ही समुदाय के हैं, और इसके अलावा सर्वाधिक जो संक्रमित लोग आए हैं वो वार्ड नंबर 12 से मिले हैं जी। तो स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव की हिस्ट्री निकालने के, और जो RNT मेडिकल कॉलेज है उदयपुर, उसके विशेषज्ञों की टीमें भी जुटी हुई है कुशलगढ़ में। जी जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। कोरोना में प्रदेश का हॉटस्पॉट बनकर अब ये छोटी आबादी वाला क्षेत्र भी उभरने को देखने को मिल रहा है। 52 कोरोना पॉजिटिव अभी तक दर्ज कर लिए गए हैं इस क्षेत्र से। कोटा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज